हाय गाइस, वेलकम टू आईसीसी 10. सो दिस इज आद्रिका. एंड कैसे हो तुम सब लोग? आई होप तुम लोग बढ़िया होगे एंड सब लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. सो टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ यू शुड स्टडी बायोलॉजी इन योर क्लास 10 टू स्कोर 95+. एज यू ऑल गाइज नो दैट आई हैव स्कोर 95+ इन माई बायोलॉजी. सो आज मैं तुम्हें यही बताने वाली हूँ कि कैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए बायोलॉजी एंड बेसिकली मतलब कैसे मैंने पढ़ा था बायोलॉजी अपने क्लास 10 में. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. देखो, बायोलॉजी के लिए मैंने, अगर मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात वहाँ कर लेती तुम्हारे सिलेबस की, ठीक है, यानी जो 2024 बैच का जो सिलेबस है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेती हूँ मैं. और उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है सिलेबस का, बायोलॉजी सिलेबस का, तो तुम उसको जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो अपना सिलेबस, ठीक है, और वहाँ से जाके तुम्हारा सिलेबस देख लेना. वैसे तुम्हारा काफ़ी कुछ सिलेबस कुछ भी कट नहीं है, मोस्टली तुम्हारा कुछ भी कट नहीं है, एक दो पैराग्राफ्स कट है, वो तुम जाके देख लेना मेरे बायोलॉजी वाले वीडियो में, ठीक है. और मतलब कुछ भी कर ज़्यादा कट नहीं है एंड ऑलमोस्ट उनको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है. तो सब कुछ पढ़ना है तुम्हें बायोलॉजी में एंड जो तुम्हारा चैप्टर्स हैं सारे उसमें भी कुछ भी कट नहीं है, ठीक है. और मतलब एक चैप्टर था जो मेरे बैच में कट था, यानी 2023 बैच की वजह से, तो उसमें मेरा एक चैप्टर था तुम्हारे बायोलॉजी में, चैप्टर होगा ह्यूमन एवोल्यूशन, तो वो चैप्टर मेरे में कट था, लेकिन इस बार वो चैप्टर भी इंक्लूड है. तो मतलब तुम्हारे में पूरा सिलेबस, ऑलमोस्ट सिलेबस आ रहा है एंड तुम्हें सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं. और मतलब कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर से थोड़ा क्वेश्चंस कम आते हैं, यहाँ सभी चैप्टर्स का ज़्यादातर इक्वल वेटेज होता है. और मतलब सभी में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो जितने क्वेश्चन होते हैं वो सभी चैप्टर्स में से इंक्लूड होते हैं, ठीक है. तो इसलिए तुम्हें सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं. देखो, अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, ठीक है, बायोलॉजी के पेपर पैटर्न है. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी. पहले मैं पेपर पैटर्न की बात कर लेती हूँ. तो वो तुम्हारा जो पेपर पैटर्न है वो 80 मार्क्स का पेपर होता है बायोलॉजी का. तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से तुम्हारे काफ़ी सेक्शन ए और सेक्शन बी में तुम्हारा पेपर डिवाइड होता है. सेक्शन ए जो होता है उसमें तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं MCQs, नेम द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ऑड वन आउट, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हें कैटेगरी वाले क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब इसकी कैटेगरी बताओ और रेस्ट किसको बिलोंग करते हैं वो सब बताओ. और इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं. एग्जैक्ट लोकेशन वाला क्वेश्चन आता है, एक तुम्हारा 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन भी होता है. तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे मोस्टली, तुम्हारा जो बायो का पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है. तो मतलब तुम्हें बायो में एक चीज़ याद रखना, कभी भी तुम्हारे लेंदी आंसर्स कभी नहीं आते हैं बायोलॉजी में. कभी भी तुम्हें मतलब 4-5, मतलब अगर कोई गिव रीज़न है तो बात अलग है, लेकिन कभी भी तुम्हें 7-8 लाइन्स, 9-10 लाइन्स के आंसर्स जनरली नहीं आते हैं, ठीक है. बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं. तो तुम्हें वैसे ही अपनी प्रिपरेशन करनी है बायोलॉजी में, ठीक है. तो सेक्शन ए की बात हमने कर ली कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये जनरली एक्सरसाइज हमारी 5-5 मार्क्स की होती हैं सारी एक्सरसाइजेस. और सेक्शन बी जो होता है तुम्हारा, उसमें तुम्हें कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. कितने क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चंस, मतलब 6 दिए होते हैं, 6 क्वेश्चंस तुम्हें टोटल दिए होते हैं सेक्शन बी में, जिसमें से तुम्हें आउट ऑफ विच 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ विच में 4 अटेम्प्ट करने होते हैं. और ये सारे जितने क्वेश्चंस तुम्हें 6 क्वेश्चंस मिलते हैं वो कैसे होते हैं? DBQ क्वेश्चन होते हैं. DBQ मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से तुम्हें डायग्राम दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अब DBQ के अंदर भी अगर हम देखें तो उसमें तुम्हारे डिफाइन द फॉलोइंग वाले, मतलब कोई डिफाइन दे दिया गया तुम्हें करने को, या कोई छोटा सा डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करने को दे दिया, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो तुम्हारे आते हैं, ठीक है, इसी या उससे रिलेटेड कोई आंसर हो गया तो वो सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं. तो ऐसे DBQs में 4 अटेम्प्ट करने होते हैं. बट आई रिकमेंड तुम एक एक्स्ट्रा करना, जैसे कि मैंने भी करा था. और इन सब चीज़ों की बात हम करेंगे, तुम्हें कैसे पेपर प्रेजेंट करना है एंड कैसे तुम्हें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, शुड यू अटेम्प्ट एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन और नॉट, तो ये सब चीज़ों की बातें हम बाद में करेंगे. लेकिन पहले अभी हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, बायोलॉजी में. तो अब ये बात हो गई हमारी कि सेक्शन बी में तुम्हें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारे DBQ होते हैं. और अब हम डिस्कस करते हैं हमारी बुक्स के बारे में, दैट विच बुक्स शुड यू स्टडी फॉर बायोलॉजी. और अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि बायोलॉजी के लिए तुम्हें सलीना कॉन्साइज की जो बुक होती है वो तुम्हारी बेस्ट बुक है बायोलॉजी के लिए,
इनफैक्ट मतलब बायोलॉजी के लिए ही नहीं, जितने भी तुम्हारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैं उसके लिए तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि उन सारी सब्जेक्ट्स के लिए तुमको सलीना कॉन्साइस की बुक से ही पढ़ना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि सलीना जो है उसमें कंटेंट जो तुम्हारा दिया है वो सब स्पेसिफिक है, मतलब बोर्ड के सिलेबस, अगर बोर्ड का जो सिलेबस देखा जाए तो उससे काफ़ी स्पेसिफिक है, और मतलब वैसे ही बोर्ड क्वेश्चंस फ्रेम करता है जिस हिसाब से तुम्हारे इन सब में सलीना कॉन्साइस में दिया, तो मतलब काफ़ी इसमें सही कंटेंट लिखा है मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा वगैरह नहीं दिया इसमें। तो इसलिए तुम्हें सलीना कॉन्साइस बायोलॉजी इन्हीं से इसे पढ़ना चाहिए, ये बेस्ट बुक है, और सलीना कॉन्साइस से तुम्हें तुमको पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि बायोलॉजी में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो तुम्हारी है डायग्राम्स। क्या है तुम्हारी डायग्राम्स, चाहे वो डायग्राम्स की लेबलिंग हो और चाहे तुम्हें वो ड्रॉ करने को आए, तो इसलिए लेबलिंग्स एंड डायग्राम बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। कोई भी आ सकता है, क्योंकि जैसे मेरा जब पेपर हुआ था 2023 में, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें डायग्राम दो आए थे, एक मैल्पिगिन कैप्सूल का आया था जो तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो चैप्टर है उससे आया था, एंड एक आया था ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम आया था जो तुम्हारा रिप्रोडक्शन चैप्टर उससे आया था। तो इसीलिए डायग्राम सिर्फ ज़रूरी नहीं सिर्फ लेबलिंग करने को आए, ड्रॉ करने को भी आ सकते हैं, तो इसलिए तुम्हें दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, जितने भी तुम्हारे बायो की बुक में डायग्राम्स दिए हैं उन सब की तुम्हें लेबलिंग्स अच्छे से देखनी है, और तुम उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, डायग्राम्स प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें डायग्राम्स अच्छे से ड्रॉ करना आ जाए। जितना तुम्हारा अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा उतने अच्छे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये बात हो गई सारे तुम्हारे पेपर की और कितने मार्क्स का गया था, ये सब बात हो गई हमारी। अब देखो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैंने कैसे पढ़ा था बायोलॉजी, ठीक है, जैसे मैंने 95 प्लस मार्क्स आए हैं इसमें। तो बायोलॉजी मैं कैसे पढ़ती थी, क्योंकि बायोलॉजी पूरा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर है, होता है उसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं जो DBQ में भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी जनरली शॉर्ट टाइप के ही होते हैं, मतलब 1-2 लाइंस में हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना होता है। तो इसलिए बायोलॉजी को तुम्हें ऑब्जेक्टिव तरीके से ही प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तरीके से ही प्रिपेयर करना होगा। अब वो कैसे, देखो मैं क्या करती थी, तो पहली चीज़ तो ये हुई, मैंने कभी बायोलॉजी में नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे, ठीक है, क्योंकि बायो में इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि अगर सबके नोट्स बनाने बैठे तो बहुत टाइम लग जाता था, तो इसीलिए मैंने बायोलॉजी में कभी नोट्स तो नहीं बनाए। मैं क्या करती थी, जैसे मेरे स्कूल टीचर्स भी कहते थे कि बायोलॉजी की जो बुक है, अब जो सलीना कॉन्साइस बुक है उसका तो मुझे पता है, लेकिन और बुक्स का मैं नहीं कह सकती, जैसे सलीना कॉन्साइस बुक है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी वो रेड या ब्लू या ब्लैक वर्ड से अंडरलाइन होती थी, कलर से अंडरलाइन होती थी, अंडरलाइन नहीं मतलब बोल्ड होती थी, ठीक है, बोल्ड है, और उससे मुझे तो ये जो रेड ब्लू या ब्लैक वर्ड से जो बोल्ड चीज़ें लिखी होती थी तो मैं इसको अंडरलाइन कर लेती थी या मतलब हाईलाइट कर लेती थी, तो तुम्हारे जिससे भी कर पेंसिल या हाईलाइटर जो तुम यूज़ करते हो तो उससे तुम उसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ऐसे ही मैंने भी करा था। और जो वही जो रेड ब्लू ब्लैक वर्ड इन सब चीज़ों से लिखा है उन्हीं को मैं लर्न करती थी, ठीक है, बाकी ऐसे बहुत कुछ लिखा होता है तो इतना सारा नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव के लिए वही चीज़ बेस्ट, ऐसे करोगे तो वो चीज़ बेस्ट है, वो इसलिए क्योंकि पूरा भी तुम्हें नहीं लिखना है, लेंदी चीज़ भी नहीं लिखनी है, तो क्वेश्चन आंसर्स करना है। मैंने कभी पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो मैं नहीं करती थी, मतलब लेकिन जो DBQ वाले क्वेश्चन होते थे बुक के पीछे, सलीना कॉन्साइस में काफ़ी सारे DBQ क्वेश्चन दिए हैं, मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे दिए हैं सलीना की बुक में तो दिए ही हैं, तो मैं क्या करती थी, पहले चैप्टर रीड करती थी, फिर एक बार सेकंड रीडिंग में लगाती थी चैप्टर की, तो मैं उसमें जितने भी वाले वर्ड्स होते थे रेड ब्लू ब्लैक वर्ड्स और उनके बारे में जो भी लिखा होता था उसको अंडरलाइन कर लेती थी, ठीक है, और अंडरलाइन कर लेती थी, और उसके बाद जो बुक के पीछे जो मतलब चैप्टर के पीछे जो DBQ क्वेश्चंस दिए होते थे उनको मैं प्रैक्टिस करती थी, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स नहीं, जो क्वेश्चन आंसर्स और वगैरह दिए होते उन्हें तो नहीं, मतलब जो तुम्हारे DBQ क्वेश्चंस होते उन्हें ही प्रैक्टिस करती थी मैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने जब नवंबर दिसंबर का टाइम आ गया तो उसके में मैंने 10 ईयर्स लगाए थे पूरे, तो 10 ईयर्स में काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि सिलेबस तो अलग होता नहीं है, तो काफ़ी कुछ वही सब, मतलब अगर इंसान 10 ईयर्स लगा ले तो मतलब 90% तो सिलेबस हो ही जाता है, ठीक है, तो इसलिए 10 ईयर्स तुम अभी नहीं, नवंबर दिसंबर में जब टाइम है तब लगा सकते हो उसमें, और पहले तो तुम्हें सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और अगर तुम इस तरीके से चलते हो तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है, ऑब्जेक्टिव तरीके का जो हमारा पेपर होता है बायोलॉजी को उसको प्रिपेयर करने का, तो बायो ऐसे ही बेस्ट तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी अगर तुम उसे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि रेड ब्लू और जो ब्लैक वर्ड्स इनसे जो अंडर बोल्ड है वर्ड्स उन्हीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है, जनरली जो तुम्हारा काउंसिल होता है वो वहीं से
वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसा हमारे स्कूल टीचर्स कहते हैं तो। और ये बात सच है, ठीक है, जब मैंने पढ़ा था और जब मैंने पेपर दिया तो हाँ मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि ये बात सच है, ये सब पूरा जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए तुम भी जो ये जो वर्ड्स बोल्ड हैं उनको ज़्यादा अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बायोलॉजी पढ़ा था एंड आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे तुम्हें बायोलॉजी पढ़ना है, और तुम भी ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही मेरे 95 प्लस आए थे बायोलॉजी में, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी चाहिए। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।